We have some more news that we're tracking. Bhavesh Pinde, who's the owner of the hoarding that fell on the petrol pump, has been arrested by crime branch from Udaipur. This is in connection with the Mumbai hoarding collapse tragedy. He was named as the wanted accused in the FIR and had been absconding since the incident had taken place. Now the Mumbai crime branch has nabbed him. Meanwhile, in a big decision, the BMC, after the Ghatkopar hoarding incident, has said that no new hoarding will be allowed in Mumbai at this point in time, considering the safety of citizens as a priority. Provisions are going to be included in our billboard policy. घाटकोपर होल्डिंग हादसे का आरोपी, जिस पर कि 16 मौतों का गुनाहगार है, वो भावेश भिंडे, जो मुंबई पुलिस को चकमा देकर यहां से फरार हो गया था, 4 दिनों से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। आखिरकार मुंबई क्राइम ब्रांच ने उसे आज उदयपुर के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सोमवार की शाम जब वो हादसा हुआ था, उसके बाद से ही उसे भनक लग गई थी कि उसके खिलाफ अब मामला दर्ज हो सकता है, और इसीलिए वो मुंबई से फरार होकर लोनावाला चला गया था। और लोनावाला के बाद वो वहाँ से पता चला कि वापस बीच में एक बार यहाँ मुंबई आया था, और मुंबई से फिर वो सीलफाटा यानी ठाणे जिले में चला गया, और वहाँ से फिर अहमदाबाद चला गया। मुंबई पुलिस की स्थानीय पुलिस तो तलाश कर ही रही थी, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी तलाश करनी शुरू की, क्योंकि वो फरार हो चुका था और इतने गंभीर मामले में, जबकि 16 मौतों का कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है। तो मुंबई क्राइम ब्रांच के जो ज्वाइंट सीपी हैं लक्ष्मी गौतम, उनके मॉनिटरिंग में टीम बनाई गई, और डीसीपी डिटेक्शन विशाल ठाकुर और क्राइम ब्रांच के दूसरे अधिकारियों की को जिम्मा दिया गया कि उसको ट्रेस करें और उसे पकड़े। तो लिहाजा क्राइम ब्रांच की टीम ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के जरिए उसको ट्रेस करने की कोशिश करती रही, उसका लोकेशन पता करती होती रही। पता चला कि वो ठाणे से अहमदाबाद गया हुआ है, वहाँ से और भी दूसरी जगह पे गुजरात में दूसरे इलाके में चला गया था, और फिर वो वहाँ से धीरे राजस्थान निकल गया। वो अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर रुक रहा था, हालांकि पुलिस उसका जैसे पता चलती पुलिस उसके पीछे पीछे उसकी तलाश करती रही, और आखिरकार उदयपुर में आज एक होटल में उसको पकड़ लिया गया अभी कुछ देर पहले।